जोहर और मेरे साथ हैं। रहने दीजिए सर, मेरे को जानते हैं। कपिल जानती तो मुझे भी है, पर एक कर्टसी होती है ना, एक तरीका होता है इंट्रोड्यूस करने का। तो फिर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोली ना सर, मैंने तो इस साल हिट फिल्म भी दी है। थोड़ा ऐसे बोली ना कि मल्टी टैलेंटेड, डैशिंग, स्टाइलिश, वर्सेटाइलिस्ट, बड़ा शो, थोड़ा बड़ा फील आना चाहिए सर। कपिल मैं एक सवाल करना चाहूंगा, तुम लड़कियों से इतना चिढ़े क्यों हो यार? सर एक तो आसानी से मतलब पटती नहीं है, और दूसरे नाम कभी कभी ऐसे रख लेती हैं कि मतलब किसी को हाय हेलो नहीं बोल सकते आप। पर तुम किसे हाय हेलो करना चाह रहे हो? जैकलिन फर्नांडिस को सर। अब स्पेलिंग बताइए उसके नाम के। Very simple, JACQUELINE फर्नांडिस, like everyone knows it, फर्नांडिस। आपका ठीक है सर, मेरा क्या है, मेरा जैक अलग रह जाता है, लीन अलग हो जाती है, फर्नांडिस तक तो मैं पहुंचता ही नहीं हूँ। तुम्हें पता है कि अब यहाँ कौन आने वाला है? मैं तो बेजान दारू वाला हूँ, मेरे को क्या पता सर कौन आने वाला है। मैं बताता हूँ, अब जो यहाँ आ रही है वो आग लगा देंगी। फायर ब्रिगेड बुलाएं सर फिर? अरे ये लड़कियों की अदाओं की आग है, तुम नहीं समझोगे कपिल। इनके मस्त मस्त दो नैन दिल का ले गए चैन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फॉर द ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग सोनाक्षी सिन्हा। मैं अपने दर्शकों से एक एक मसले का हल चाहता हूं। एक्चुअली जनता की तरफ से एक्चुअली सवाल आया है, हम लोग ये जानना चाहते हैं, बिकॉज आज हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, काफी बहस भी हुई इस शाम में कि कौन बेहतर है, लड़के बेहतर हैं या लड़कियां बेहतर हैं। तो मैं ये सवाल जो है वो यहाँ बैठे तमाम दर्शकों से, अपने फिल्म स्टार से पूछना चाहूंगा। तो मैं नीचे आके आपसे बात करना चाहता हूँ। दीपिका सीरियसली, ये दोनों दिल के बहुत सच्चे हैं, कभी ये झूठ नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं। रणवीर दिल से बताना आप, ओवरऑल जेनरिक, लड़के ज्यादा नखरे करते हैं कि लड़कियां? लड़कियां करती हैं ऑब्वियसली। किस प्रकार के नखरे करती हैं लड़कियां? आप ध्यान से बोले, क्योंकि आप जो भी नखरा बोलेंगे वो सब दीपिका के ऊपर जाएगा। बस सजते धजते वक्त और 100 टाइप के नखरे हैं यार, आपको तो सब पता है, आप इतनी लेडीज के साथ आपकी फ्रेंडशिप। दीपिका आप कितना सहमत हैं कि लड़कियों के ज्यादा नखरे होते हैं, लड़कों के कम होते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। रणवीर तुम इधर ही आ जाओ, मेरे को नहीं है यार। तो मतलब आप ये मानती हैं कि नहीं, लड़कियों के नखरे नहीं होते, लड़कों के ज्यादा होते हैं? पर लड़कों के ज्यादा होते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली में एक आजकल फॉर्मूला चल रहा है इवन एंड ऑड का, अगर ये रियल लाइफ में लागू हो जाए कि इवन ऑड वाले दिन एक दिन लड़कियां बोलेंगी, एक दिन लड़के बोलेंगे, तो क्या जो हमारे हिस्से में इवन आएगा या ऑड आएगा, क्या हम मर्दों को बोलने का मौका मिलेगा? जनता जवाब देना चाहती है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड कपल है उनको पूछना चाहिए। एक्सपीरियंस कपल? अच्छा बच्चन साहब की पूरी इंडस्ट्री में जितनी चलती है सबको पता है, शहनशाह बॉलीवुड है। सर एक सेकंड दीपिका, बाइक पकड़ना। सर घर में ज्यादा किनकी चलती है? जेनरिक आ जाइए, पास आ जाइए। सर आपकी आवाज इतनी भारी ना, पास भी बुलाते, मुझे लगता है अंदर कर दीजिए इनको। थोड़ा डर लगता है सर, क्या करें? और नजदीक आ सकते हैं हम? सर आपके पास जो बैठी हुई ना, मैं तो बहुत ज्यादा नजदीक आना चाहता हूँ। तो सॉरी भूल जाता हूँ यार। तो सर हेलो, तो मतलब क्या बताएं सर, आप खुद एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे घर में तो आपकी चलती है। रियली सर? जी बिल्कुल। हाउ स्वीट ऑफ यू सर, मेरा पेमेंट बढ़ा दिया आपने मार्केट में इतनी बात बोल के। आइए हम कुछ और अपने मेहमानों से जानते हैं। यू आर लुकिंग कैप्सिकम गॉर्जियस, सॉरी मेरे गॉर्जियस बोलना था, मेरे को कैप्सिकम निकल गया। आपको क्या लगता है, लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं लड़कों के ज्यादा होते हैं? कैप्सिकम? हाँ ऐसी कैप्सिकम अगर हमारे घर में हो, हम उसकी कभी सब्जी बनाए ना, उसको देखते रहे, उसके ऊपर पानी छिड़े छिड़के ताजा रखे उसको। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये ड्रेसेस कहाँ से बनवाती हैं? दर्जी कहीं से भी कैंची चला रहा है? शिमला मिर्च या मिर्च? शिमला मिर्च मतलब तीखी, लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला जाए। लड़कों को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले उनके लिए सब कुछ अच्छा है। हाँ भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं जो भी मिल जाए। देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया, मैं कोई आगे मेकअप क्या देखना किसी ने, तो ना मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना आए तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू, सॉरी रणवीर मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी।
सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किन के नखरे ज्यादा होते हैं? सी लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं। हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे? हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। कपिल भगवान के लिए ऊपर आ जाओ प्लीज। अरे आप गए नहीं अभी तक? नहीं बिल्कुल नहीं। ओके सो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑल द स्टार्स। सर मिल रहा हूँ, मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को। मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस दीपू, आई एम गेटिंग टीयर्स इन माय आईज। वाओ दीपिका, दैट्स व्हाट वेडिंग केक एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ। केक से मुझे याद आया सर, मेरा ना बचपन में एक ख्वाहिश थी कभी मेरे बर्थडे पे ऐसा 5-6 फ्लोर का केक कभी काटने को मिले। आज दीपिका की ड्रेस को देख के मुझे मेरा बचपन का ड्रीम याद आ गया। कांग्रेचुलेशंस दीपू, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, कीप लविंग मी। हाँ भाई, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर उसको छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत डेयरिंग काम है और आपने बा कमाल काम किया मैम। क्या सेक्सी मुद्दे को लेकर? व्हाट डिड यू से? सॉरी, सेंसिटिव मुद्दे को सर। ओके ओके सॉरी। आप लग रहे हो सेक्सी सर। हेलो करण सर, हाय कपिल, यू आर द फनीस्ट मैन इन द कंट्री, थैंक यू वेरी मच कपिल। यू मैन ब्रो, कीप जेलस, कीप जेलस। मूविंग ऑन, करण सर आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है। हाँ। अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, हाँ। 2 मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। कपिल, तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है। हाँ। आपको क्या लगता है सर लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़कियों को, मैं नहीं डरता हूँ सर। अभी देखना क्या होता है, तुम ये सब कह रहे हो काफी मर्द बन रहे हो, देखना तुम्हारी बुलाइए सर मर्दान की क्या फुल टॉस होने वाला है अभी। अरे नहीं सर कुछ नहीं होता, आप देखो। नहीं नहीं, हो क्या रहा है सर, सरप्राइज है? हाँ बहुत बड़ा सरप्राइज, फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया। मर्दान मत कीजिए, डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ, पर नहीं टिल यू आर टोल्ड। थोड़ा सा आइडिया। हाँ जी, मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लड़कियों का राज हर जगह। सर मैं कहा कुछ कह रहा हूँ? नहीं नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं, राइट? ये वो कमाल है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं लड़कियां चाहिए हुई है, प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड, आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, आप भी लग रही हैं, आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग, मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ, आई डोंट लाइक दिस ब्रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है, आप लोग कौन सा ब्राउन बेड से साफ करते हो क्या? क्या है सर, मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है, झाड़ू लगाएंगे तो डराएंगे आप लोग। सर आपको कच्छे का नाड़ बांधना आता है? व्हाट्स अ कच्छा? कच्छा इज लाइक ए सपोर्टिंग एक्टर, यू सपोर्ट योर ट्राउजर, यू नो whenever you feel kachha you feel comfortable, if you are not wearing kachha you are already wearing trouser but you feel like you are wearing nothing, halanki there is something but kachha is a very acha sir. I don't wear this kachha. Aap kachha bhi nahi pehante? Okay one second, isse pehle ki Kapil suit se kachhe pe aa jaye, let's start with the awards, shall we? Playback singer female. Sir aap pehle females ko dekhte ho, aapko pata hai isi wajah se male jo hai piche reh rahe hain.